हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज मैं लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल के लिए ओरियो मोदक, जो बहुत ही अच्छा लगता है और ये गणेश जी को तो पसंद आएगा ही, साथ में बच्चों का तो फेवरेट हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना कैसे है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं 4 पैकेट। अब हम इसे ओपन करेंगे। अब इसमें से हम क्रीम अलग और बिस्किट को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट से क्रीम को अलग कर लिया है, एक साइड में रख देंगे। अब हमें लेना है ग्राइंडर जार और इन बिस्किट को तोड़ के हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसके पाउडर बन सके। सभी बिस्किट को एक साथ हम ग्राइंड नहीं करेंगे, आधा आधा करके करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे पाउडर की तरह बना लेना है। इसी तरह से सभी बिस्किट का हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाउल में बिस्किट के पाउडर को निकाल लिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कंडेंस मिल्क। आप चाहे तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं और फ्रेश क्रीम भी। तो पहले थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। एक बड़ा चम्मच हम इसमें और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो सके। बिस्किट का डो बनके तैयार हो गया है। इसमें हमें टोटल लगे हैं कंडेंस मिल्क 3.5 टेबल स्पून। तो अब इसे एक साइड में रखेंगे और हम लेंगे क्रीम वाला मिक्सर। तो इस क्रीम में हमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। तो अब मिक्सर भी तैयार है, तो चलिए अब हम मोदक बनाते हैं। अब हमें लेना है मोदक का सांचा, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब इसमें हमें ऐड करना है बिस्किट वाला डो। अच्छे से सभी जगह से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे और बीच में थोड़ी सी जगह हम खाली रखेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा क्रीम वाला मिक्सर। जो ऊपर से एक्स्ट्रा होगा उसे हम निकाल लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम सभी को बनाएंगे। तो लीजिए, ओरियो मोदक बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान था और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये खाने में बहुत टेस्टी आता है। गणेश जी को तो पसंद आएगा ही, साथ में बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बिना गैस जलाए ही ये झटपट बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।